हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी के बीच में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है कि आज हम जानेंगे जो कि गूगल ड्राइव होता है फ्रेंड्स, उस पर जो कि हम अपने वीडियो अथवा फोटो को कैसे अपलोड करें, जो कि बहुत ही काफ़ी जो कि गूगल ड्राइव हमारे मोबाइल में जो कि दिए होते हैं एक ऐप, जो कि हम देखते हैं मगर उसका यूज हम कभी भी नहीं करते फ्रेंड्स। वो बहुत ही काफ़ी जो कि अच्छा है, जो कि हम क्या कभी कल क्या होता है कि हमारे मोबाइल में जो कि इंटरनल स्टोरेज आता है, एक्सटर्नल स्टोरेज जो कि हमारे मोबाइल का जो कि फुल हो जाता है, तो उस समय जो कि हमारा इम्पोर्टेंट कोई ऐसा वीडियो होता है कि जिससे उड़ाना भी हम नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जो कि इंटरनल तो फुल है और एक्सटर्नल तो जो कि हम फोटो भी क्लिक नहीं करके उसमें सेव कर सकते हैं, तो उस समय जो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उसमें क्या करिएगा आप, जो कि गूगल ड्राइव होता है उसमें आप उस वीडियो को जो कि अपलोड कर देंगे या तो फोटो को, तो वो उसमें चले जाएगा और इंटरनल स्टोरेज से आप उड़ा भी देंगे तो वहाँ पर वो वीडियो जो कि क्या रहेगा कि सेफ रहेगा, और फिर से जो कि आपके पास जो कि इंटरनल स्टोरेज जो कि खाली हो जाएगा तो वो आप वहाँ से फिर नेट अपने मोबाइल में कनेक्ट करके जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही हम जो कि आज जानेंगे गूगल ड्राइव में फोटो जो कि अपलोड कैसे करें रखें, तो चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कि हम बता दूं कि कहां पर हमें जो कि जाना है, जो यहां पर गूगल एक फोल्डर जो कि बन कर रेडी है, जो कि रहते हैं सब मोबाइल में, जो कि मोबाइल किनते वक्त भी जो कि वो एप्लीकेशन जो कि हमारे मोबाइल में जो कि ऐड रहता है, जो कि देखिए ऐसा लिख कर जो कि होता है, तो आप अगर नहीं है ऐसा तो आपको जो कि सिंगल सिंगल ऐप भी है तो कोई बात नहीं है, जो कि आप सभी जो कि ऐसा जो कि गूगल ड्राइव लिखा होता है, जो कि यहाँ पर पहले से ही हमारे मोबाइल में जो कि ऑप्शन होता है जो कि ये ऐप है, तो इसी को जो कि हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कि हमारा नेट रहेगा फ्रेंड, तब इस पर जो कि हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि मैं होम में चला जाता हूँ, होम में जाने के बाद जो कि मैं बता दूँ कि हमें देखिए हमारा मोबाइल में जो कि गूगल ड्राइव में एक जो कि हम वीडियो अपलोड करके जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये वीडियो जो कि हमारे इंटरनल स्टोरेज में भी है तो वहाँ से उड़ा देंगे तो पर भी जो कि यहाँ पर सेव रहेगा। और मैं बता दूँ सबसे बात जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एस लिखा हुआ है, जो कि इस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर जो कि गूगल अकाउंट जो कि सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि कितने जो कि साथी लोग हैं कि उसमें जो कि 5, 6, 2, 3 यानी कि मल्टीपल गूगल अकाउंट जो कि ऐड रहते हैं, तो आप किस गूगल अकाउंट में जो कि यहाँ पर अपना वीडियो अथवा फोटो रखना चाहते हैं उसी गूगल अकाउंट में जो कि वहाँ पर से सेलेक्ट करके आप उस गूगल अकाउंट को जो कि चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आप सभी भी जो कि गूगल अकाउंट में रखिएगा तो उसका जो कि पासवर्ड और जो कि सेफ रखिएगा, जो कि याद रहना चाहिए, जो कि अच्छा रहता है बाद में कोई भी जो कि गूगल ड्राइव अथवा फिर से जो कि पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए तो वहाँ से जो कि आप दे सकते हैं, अथवा पासवर्ड आप याद करके जो कि यहाँ पर ठीक रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि 2-3 गूगल अकाउंट ऐड करे हो देंगे तो ठीक है, नहीं तो वही गूगल अकाउंट में जो कि रखिएगा, तो आप सभी जो कि ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो कि यहाँ पर जाना है, जो कि यहाँ पर एक फोल्डर का जो कि निशान दिख रहा है फ्रेंड, जो कि आप फोल्डर बनाना चाहते हैं कोई भी तो जो कि यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हम एक फोल्डर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर जो कि फोल्डर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस का जो कि निशान दिख रहा है फ्रेंड जो कि आएगा, तो इसी पर जो कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि ढेर सारे जो कि ऑप्शन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, एक स्कैन भी कर सकते हैं जो कि हम फोटो वोटो स्कैन करते हैं अथवा जो कि QR कोड, और यहाँ पर अपलोड है यही से जो कि हम वीडियो अथवा फोटो इसे गूगल ड्राइव में जो कि अपलोड करेंगे, और यहाँ जो कि एक फोल्डर है तो इसी पर जो कि हम क्लिक कर देंगे तो एक फोल्डर बनाकर जो कि हम अपने फोल्डर हिसाब से भी रख सकते हैं अथवा जो कि सीधे आप डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर जो कि सेट रहेगा। तो चलिए मैं एक आप लोगों को जो कि फोल्डर जो कि बनाकर जो कि दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनता है, जो कि फोल्डर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कि ऐसा आएगा जो कि आप काट दीजिएगा, और यहाँ पर जो कि आप फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि अपने पसंद का जो कि नाम यहाँ पर क्रिएट कर दीजिएगा, तो देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर दिया हूँ, और यहाँ पर जो कि टिक का निशान है ओके कर देंगे अथवा तो यहाँ पर भी जो कि ओके का ऑप्शन आएगा ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो कि हमारे मोबाइल में जो कि 2 फोल्डर बन गए, जो कि यहाँ पर एक वीडियो है और यहाँ एक यहाँ पर जो कि हम अभी जो कि आपके सामने जो कि क्रिएट किए हैं वो संतोष वर्मा ऑफिसर, तो जो कि हम इसी पर जो क्लिक करेंगे तो हम बता रहे हैं नो आइटम,
तो इसको क्या करेंगे, इसमें तो नो आइटम बता रहा है, तो जो कि फिर से यहाँ प्लस पर जो क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो कि अपलोड का ऑप्शन है उसी पर जो कि हम क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर फाइल में जो कि हम चले जाएंगे, वहाँ से जो कि हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो कि ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और आप जो कि फाइल मैनेजर अथवा गैलरी अथवा ड्राइव में फिर से जाना चाहते हैं तो जो कि यहाँ पर रिसेंट के जो कि बगल में एक ऑप्शन है थ्री जो कि लाइन है उसी पर जो कि हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ढेर सारी ऑप्शन आ जाएगा, इमेज, वीडियो, ऑडियो। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ऑडियो भी रख सकते हैं और यहाँ पर रेडमी नोट 5 यानी कि बहुत ही सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। रिकॉर्ड में से आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, फोटो, ड्राइव में। क्योंकि अब फाइल मैनेजर में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जो कि हम चूज करेंगे तो फाइल मैनेजर पर जो कि क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो कि हम कहाँ पर रखे हुए हैं वहाँ पर जो कि हम अपने फोल्डर में जो कि जाएंगे और वहाँ से जो कि हम एक कोई सा भी जो कि वीडियो ले लेंगे। तो देखिए मैं ये इंट्रो वाला जो कि एक वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कम एमबी का है, जो कि होगा लमसम जो कि 10-12 MB का। तो आप मैं सिखाने के लिए जो कि कम एमबी का ले रहा हूँ कि जल्दी जो कि फास्ट में जो कि डाउनलोड हो जाएगा। तो आप ऐसे करके जो कि कितना भी एमबी बारा होगा तो आप सभी जो कि करिएगा, हो जाएगा। और फिर से जो कि आपका जितना नेट फास्ट होगा उतना जल्दी जो कि फास्ट अपलोड होगा। तो देखिए इसी पर जो कि हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो कि ओके का निशान आ रहा है इसी पर जो कि हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो कि यहाँ पर देखिए वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रिपेयरिंग लिखा रहा है, वन फिल्मिंग अपलोड यहाँ पर लिख दिए और लिखने के बाद जो कि देखिए यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है, जो कि यहाँ पर स्पीड भी जो कि हमारा जो कि काफ़ी जो कि बढ़ चुका है। देखिए यहाँ पर 486 KB पर सेकंड जो कि बोल रहा है। देखिए यहाँ पर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, जो कि हमारा भी नेट जो कि स्लो है अभी, जो कि यहाँ पर अपलोड हो रहा है। आप जो कि देखिए अपलोड हो जाने के बाद जो कि अपने आप ही जो कि ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि अपलोड हो गए, आप जो कि ध्यान से देखिएगा और अपलोड हो गए तो इससे जो कि हम यहाँ से भी जो कि चलाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर चल रहा है। अब फिर से जो कि मैं बता दूँ कि इसे जो कि हम डाउनलोड करना है तो यहीं पर जो कि चला के भी आप कर सकते हैं, तो वही से भी कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है आप सभी को, इसी पर जो कि हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, एड टू स्टार्ट भी कर सकते हैं, या तो कॉपी लिंक भी इसका बना सकते हैं, सेंड और कॉपी भी कर सकते हैं, बहुत ही सारे ऑप्शन है। ओपन विथ पर क्लिक करेंगे तो MX प्लेयर तो हावी जब जो कि जितना प्लेयर होता है वहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो हम इसी पर जो कि क्लिक करेंगे तो फिर से वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दे रहा हूँ टू डाउनलोड जो कि होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यानी कि डाउनलोड हो रहा है, तो ऐसे करके जो कि डाउनलोड हो जाएगा और ऐसे करके जो कि आप सभी कर सकते हैं। अथवा तो यहाँ पर भी जो कि 3 डॉट दिख रहा है इसी पर जो कि क्लिक करेंगे तो ऐसा ही जो कि सेम ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट है, तो यहाँ से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही प्लस प्लस करके फ्रेंड्स आप फोटो अथवा वीडियो भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं आप सभी को जो कि एक फ़ोटो भी रख कर दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर कोई सा भी एक फ़ोटो है, थंबल है, तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग करके देखिए यहाँ पर वेटिंग अपलोडिंग जो कि बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक से, देखिए यहाँ पर अपलोड होगा फिर से करके जो वैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इतना ही था जो कि हम वीडियो ड्राइव में जो कि कैसे जो कि अपने वीडियो को सेव करें, जो कि गूगल ड्राइव होता है उसमें। और फिर फ्रेंड जो कि बहुत ही सारे जो कि ऑप्शन हैं जो कि मैं एक एक करके जो कि मैं आप सभी को जो कि बता दूंगा और इसका जो कि एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरे इसका डिटेल मैं उस वीडियो में जो कि आप सभी को दूंगा। जो कि आप सभी कमेंट पर लिख दीजिएगा कि इसका जो ट्यूटोरियल एक बना दीजिए तो हम बना के और अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर। ये सिर्फ वो नहीं जो कि वीडियो अपलोड कैसे करें जो कि तत्काल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आप सभी जो कि ऐसे करके अपने वीडियो को जो कि सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जो कि जरूर ही अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो कमेंट लिख दीजिएगा। और साथ साथ हमारे चैनल संतोष प्रणाम ऑफिशियल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दी गए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो जरूर पहुँच जाएगा। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी को जो कि कोई भी समस्या है तो कमेंट पर लिख दीजिएगा, मैं इस पर जो कि वीडियो अपलोड कर दूँगा।
और वाईफाई रिलेटेड जो कि वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक है, अथवा जो कि चैनल पेज में जाकर जो कि देखिएगा बहुत ही सारे जो कि वीडियो बनकर रेडी है और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनकर जो कि रेडी है जाकर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पर जो कि एंड करता हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।